बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छे भुट्टे आते हैं, यानी कि मकई आते हैं, तो अक्सर हम उसके पकोड़े बना के खाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत कम तेल यूज करके कुछ बनाए भुट्टे से, तो आप इसे एक बार इस तरह नाश्ते को ज़रूर बना के खाएं। इसे आप शाम के नाश्ते में या सुबह के नाश्ते में बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 3 भुट्टे को जो है छील ली हूँ, और उसके बाद इसे हम धो के इसका पानी को अच्छे से सुखा लेंगे, और उसके बाद इसे हम मिक्सी में डाल के हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो इसे मैं यहाँ पे 2 बार डाल के थोड़ा थोड़ा करके पीस लेती हूँ। तो इसमें पीसने के टाइम हमें एकदम भी पानी का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे यहाँ पे अच्छे से पीस ली हूँ, और यहाँ पे हम लेंगे थोड़े से लहसुन, इससे जो है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्च, और इससे हल्का दरदरा हम पीस के तैयार कर लेंगे। आप इसे चाहे तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 प्याज को बारीक चॉप करके, 7 में ही डालेंगे थोड़ा सा हरा प्याज। अगर आपके पास में हरा प्याज ना हो तो प्याज की क्वांटिटी को जो है थोड़ा सा बढ़ा दे, उससे टेस्ट जो है एक ही आएगा। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, और सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये नाश्ते में जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और हेल्दी भी होती है, क्योंकि हमने इसे बहुत कम तेल यूज करके बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से मकई के आटे थे, तो मैं उसका यूज कर लेती हूँ। अगर मकई का आटा ना हो तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे बेसन यूज कर रही हूँ, इसके जगह आप 2 चम्मच बेसन का यूज करें, और उसके बाद सबको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर लगे कि आपको बेसन जो है थोड़ा सा कम है, यानी कि बाइंडिंग आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे और 1 चम्मच बेसन का आप यूज कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बेसन का यूज ना करें, नहीं तो इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। और यहाँ पे मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि हाथ से जो है बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा डो जो है बन के तैयार हो चुका है। तवे में हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच तेल, और इसे हम चारों तरफ में इस तरह फैला देंगे। हम यहाँ बहुत कम तेल यूज करके इस नाश्ते को आज बनाएंगे। इसके ऊपर में हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा व्हाइट वाली तिल। तो मैं यहाँ पे 1 तवे में एक साथ में 4 नाश्ते को जो है बना के एक बार तैयार करूँगी। आप चाहे तो एक बड़े सा भी बना सकते हैं, पर बड़ा सा बनाने से क्या होता है, जब हम इसे पलटते हैं तो एक तो वो टूट सकती है, और दूसरे में छोटे छोटे रहते हैं तो देखने में अच्छे दिखते हैं, और बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ इसके बाद में इसे हम बिल्कुल पतला पतला इस तरह स्पैचुला से दबाते हुए फैला देंगे। पतला करने से एक तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी अंदर तक, और साथ ही साथ ये ऊपर के क्रिस्पी भी हो जाते हैं, तो जिससे ये खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चारों को जो है मैं अच्छे से इस तरह फैला ली हूँ। उसके बाद में हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। 3 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसका ढक्कन निकाल के और इसे हम इस तरह पलट लेंगे। तो इसमें जो है हमें गोल्डन कलर आने तक इसे हम पकाएंगे। तो सबको हम इस तरह पलट देंगे, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो और थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद में हम फिर से इसे पलटाएंगे। इसी तरह उलटाते पलटाते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ही अच्छे से पक चुकी है। और इसे आप चाहे तो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, ये ठंडे होने के बाद में भी इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ही आता है। उसके बाद में फिर से हम यहाँ थोड़ा तेल डालेंगे, और फिर सेम प्रोसेस से थोड़ा सा तिल, और उसके बाद में हम कॉर्न की जो बैटर है उसे हम डाल देंगे, और इसी तरह सब नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। तो जब भी कॉर्न का कुछ हेल्दी सा खाना मन हो तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ धनिया की सिंपल सी चटनी, जिसके साथ ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।